नमस्कार दोस्तों, आरा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन का अचार। सर्दियां शुरू हो गई हैं दोस्तों, सर्दियों में लहसुन का अचार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे लहसुन का अचार, ये देखिए आप। लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन लिया था 200 ग्राम। तो दोस्तों लहसुन हमने छील करके तैयार कर लिया है। इस तरह से इसका बिल्कुल छिलका निकाल दिया, इसमें बिल्कुल छिलका नहीं रहा है, देखिए। और ये मैंने देसी लहसुन लिया है, यहाँ पर छोटा वाला लहसुन लिया है। और इसे छीलने के बाद 150 ग्राम रह गया है लहसुन हमारा। 150 ग्राम लहसुन लिया है हमने अचार बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 3 छोटी चम्मच मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ऑयल। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से नमक लिया है, आप इसे स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 छोटी चम्मच सौंफ ली है, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, इस तरह से इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। और यहाँ पर मैंने पीसी हुई सरसों ली है, यहाँ पर मैंने पीली सरसों ली है 1 चम्मच। 1.5 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च ली, इसे मैंने दरदरा पीस लिया था। और ये देखिए दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लहसुन का अचार बनाना। अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है, मैं पैन को गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन कर दिए तो पैन को हम गर्म कर लेते हैं। दोस्तों पैन हमारा गर्म हो गया है, तो अब मसाले भून करके तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सौंफ लिया है, सौंफ को मैंने पीस लिया था, हमें पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें भूनना ही है। और सरसों भी डाल देते हैं इसमें, और ये काली मिर्च लिए इसको भी डाल देते हैं। तो अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से भून करके तैयार कर लेते हैं इस तरह से। वैसे तो हम ऐसे भी अचार बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भूनेंगे तो इसका स्वाद और ही अच्छा आएगा। इस तरह से सरसों और सौंफ हमारी भून करके तैयार है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो हमें सौंफ को और सरसों को हमने इसलिए भुना है तो इसके कच्चापन निकल जाए, तो इसमें से खुशबू आने लगी। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं किसी बर्तन में। मसालों को मैंने निकाल लिया है पैन में से, तो अब हम गैस ऑन फिर कर देंगे। तो पैन को हम गर्म, पहले से ही है दोस्तों हमारा पैन ठंडा नहीं हुआ है। तो अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं लहसुन भूनने के लिए। तो ऑयल को हम गर्म हो जाने देते हैं, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको गर्म करेंगे। तो ये देखिए ऑयल का कलर चेंज हो गया, इसमें से धुआं उठ गया है। तो अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, इसको हम भून लेते हैं, इसको ऐसे हिला हिला कर जो भूनेंगे, थोड़ा हिला देंगे पैन का जो पकड़ के, और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ा। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा हल्का हल्का भूनना है। तो देखिए लगभग लहसुन हमारा पक गया है, लेकिन हमें इसको और 1/2 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है लगातार इस तरह दोस्तों। तो दोस्तों देखिए लहसुन हमारा हल्का हल्का हमने भून करके तैयार कर लिया है, और ये बिल्कुल अच्छा भून करके तैयार हो गया। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, तो हमें ज्यादा नहीं भूनना है इसको। अब हम इसे ठंडा होने के बाद इसका अचार डालेंगे। पैन हमारा ठंडा हो गया था, तो हमने पैन में से लहसुन को ट्रांसफर कर लिया, इसे बाउल में कर लिया दोस्तों। तो ये देखिए लहसुन को अब हम अचार बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन को इस तरह से चला लेंगे चम्मच से। अब इसमें हम ये मसाले डाल देते हैं, ये हल्दी पाउडर लिया था हमने, ये डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं हमने लाल मिर्च। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च का प्रयोग कम करें। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये धनिया लिया है हमने, धनिया पाउडर, इसको डाल देते हैं। और ये हमने ये लिया जो मसाले हमने भून करके तैयार किए थे, सौंफ और काली मिर्च और पीली सरसों। तो इस तरह से आप पीली सरसों की जगह राई भी ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल लगे। तो इस तरह से इसको चला देंगे दोस्तों। हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक को भी हम अच्छे से चला करके तैयार करेंगे इस तरह से।
दोस्तों देखिए सभी मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अचार में, तो अचार हमारा बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा भी बना है दोस्तों, इसमें बनाने में बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना टाइम लगे दोस्तों, और आप इसे बिना झंझट के बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों लहसुन का अचार हमारा बन करके तैयार है, आप इसे 2 से 3 दिन बाद खा सकते हैं। तो आपको देखिए लहसुन के अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स लोगों में।